हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हम में। दोस्तों, मध्य प्रदेश का भर्ती पोर्टल है एमपी ऑनलाइन का, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जानकारी वेबसाइट पर आ चुकी है। आप लोगों को यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग की ये जो पोस्ट है ये रहेगी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की। और देखिए यहाँ पे दो नोटिस भी प्रोवाइड कराए गए हैं लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड। और यहाँ पे दूसरा जो नोटिस है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। इसमें बताया गया है कि वैकेंसीज को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, मीन्स वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। कितनी वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और पहले विज्ञापन में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई थी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ देखिए चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे जाना होगा, ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे आगे पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक बटन आपको प्रोवाइड कराया गया है, अगर आप लोग हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर आती रहेंगी और कोई भी अपडेट आपसे यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये जो नोटिस है इसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो क्लिक हेयर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर यह नोटिस आपको नजर आएगा, देख पा रहे हैं ये जो नोटिस है नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। एक सूचना प्रोवाइड कराई गई है और कुछ पैराग्राफ के तौर पे यहाँ पे बात लिखी गई है, तीन पैराग्राफ है। देखिए पहला जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि आप सभी लोगों ने जो परीक्षा दी थी लैब टेक्नीशियन की, तो ये जो है 2 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी। दूसरे नंबर का ये जो पैराग्राफ है इसमें चॉइस फिलिंग की डेट के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है 10 दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक आप लोगों को एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जो भी रिक्त पदों की सूची दी गई है जिले वाइज और संस्था वाइज, तो आपको यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। 15 दिसंबर तक का आपके पास यहाँ पे समय है। तीसरा जो अंतिम पैराग्राफ है इसमें बोला गया है आपको प्राथमिकता भेजनी है, जो भी जिले वाइज इन्फॉर्मेशन है और जो भी इंस्टीट्यूट वाइज इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अपनी मनपसंद प्राथमिकता के आधार पर ही यहाँ पे आपको चयन करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करेंगे तो आप लोग इसके यहाँ पे स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये सारी जानकारी पहले नोटिस में प्रोवाइड कराई गई थी और 15 दिसंबर इसकी यहाँ पे अंतिम तिथि है, तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है और इसी समय के अंतर्गत आप लोग को अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये तो था हमारे पहले नंबर का नोटिस, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के नोटिस जो हम यहाँ पे शुरुआत में आपसे बात की थी, तो उसी जगह वेबसाइट पे आ चुके हैं। और दूसरे नंबर का जो नोटिस है ये वाला, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे और क्लिक हेयर करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। तो दूसरे नंबर का ये जो नोटिस है इसमें वैकेंसीज के बारे में बताया गया है जो कि यहाँ पे जिले वाइज है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज है, सभी जिलों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे संस्था वाइज है, मीन्स सभी इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे इसी की यहाँ पे आप लोगों को प्राथमिकता भेजनी है, सबसे पहले जो भी आपको लगता है जिला पसंद है आपको जहाँ पे काम करना अच्छा लगेगा उसी चीज़ की आप लोगों को यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। और यहाँ पे पोस्ट वाइज भी यहाँ पे सारी प्रोवाइड करा दी है। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज बताई गई हैं, जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे लिखी गई हैं इस कॉलम में, ये कैटेगरी वाइज नहीं बताई गई हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है। तो आप लोगों के पास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिए, इसी बेसिस पे ही आप लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कम यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे या थोड़ी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपका कोई चांस छूट जाए और आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिफाइन नहीं किया गया है ये जानकारी। अब मैं आपको यहाँ पे आखिरी पेज की ओर ले चलता हूँ और बताता हूँ टोटल यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हो गई हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे 450 वैकेंसी हो गई हैं। और विज्ञापन में भी मैं आपको यहाँ पे एक बार ले चलता हूँ, तो विज्ञापन की ओर यहाँ पे हम आ चुके हैं और विज्ञापन में देखिए 377 वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो 377 से आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 450 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी हैं। तो करीब करीब यहाँ पे जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं करीब 73 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ गई हैं और 73 कैंडिडेट्स यहाँ पे और इंक्लूड हो जाएंगे और इनको भी यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट पे। तो ये भी जानकारी मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के संग बता दी है और आप लोग इसको समझ गए होंगे कि 73 वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं और यहाँ पे जो पहली इससे पहले जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे थी 377। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि और भी कैंडिडेट इसमें जुड़ेंगे और लोगों को इसको यहाँ पे मौका मिलेगा इस पोस्ट में यहाँ पे शामिल होने के लिए। तो दोस्तों दोनों नोटिस जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे रीड करके बता दिए हैं और यहाँ पे इंक्रीज जितनी वैकेंसीज हो चुकी हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको वेबसाइट की ओर ले चलूंगा किस जगह पे आप लोगों को अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो वापस से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन की ओर आ चुके हैं और सेवाएं का ये जो ऑप्शन जो प्रोवाइड कराया गया है इस पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्लिक कर देंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये पेज आपको नजर आएगा। और देखिए चॉइस फिलिंग लैब टेक्नीशियन के करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं बहुत सारे। आप लोगों को कंफ्यूजन है आपको किस जगह पे जाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को चॉइस फिलिंग जो करानी है, जो ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना है अपनी अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, वो है यहाँ पे चौथे नंबर का, यहाँ पे जो कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। तो इस जगह पे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो चॉइस फिलिंग है 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप लोगों को करनी है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई है, इसी जगह से आप लोग यहाँ पे अपनी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग अगर चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे उसको आपको सेव करके रखना है या फिर आप लोग उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए, काफी वो हेल्पफुल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करिए। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर करने को बोला जा रहा है, एक बार हम इस पे यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे और कुछ इस तरीके से ये आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा आगे वाला पेज। तो दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एज इट इज, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पर भी दिया होगा, और यहाँ पे आप लोग पूरा यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, जो भी आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म फिल करते समय प्रोवाइड कराई थी। और देखिए यहाँ कुछ वैल्यू बोली जा रही है प्लस करने को, यहाँ पे 9+1 है तो यहाँ पे 10 टाइप करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली कंटिन्यू कर देंगे। देखिए कंटिन्यू करते ही जो अगला स्टेप रहेगा आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी आपने प्रोवाइड कराया था फॉर्म भरते समय, उस पर आएगा यहाँ पे एक ओटीपी, ठीक है, और ओटीपी आएगा वो रहेगा 15 मिनट के लिए मान्य, और वो ओटीपी जो है आप लोगों को यहाँ पे दर्ज कराना होगा। और आपकी ओटीपी जैसे ही दर्ज आप लोग कराएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके निकल के आएगी पर्सनल डिटेल्स, और पर्सनल डिटेल्स में जो है आपका नाम आएगा, आपका फादर का नाम आएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपकी कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स वगैरह उसमें आएंगी। फिर आपको जाना है देखिए चॉइस फिलिंग का ये जो ऑप्शन है, और वहां से आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे और वहां पे जो भी प्रेफरेंस है यहाँ पे सेव करके और वहां पे आप लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे। और जैसे ही चॉइस फिलिंग हो जाए थोड़ी बहुत फीस भी लगेगी आपकी, क्योंकि चॉइस फिलिंग की थोड़ी बहुत फीस रहती है, ज्यादा फीस नहीं लेंगे, करीब 100 से 200 रुपए के अंतर्गत ही वो फीस रहेगी। तो आपको अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है और उसके बाद जो भी प्रिंट आउट निकाल के आएगा वो आपको यहाँ पे सेव करके रखना है, या तो अपने सिस्टम में रख ले और या फिर प्रिंट निकाल के रखना है तो आप लोग प्रिंट भी वहां पे निकलवा कर। ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। तो एनपी ऑनलाइन के देखिए कियोस्क सेंटर रहते हैं मार्केट में, वहां पे जाइए तो वहां पर बोल दीजिए कि चॉइस फिलिंग करनी है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर दे दीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, तो वो लोग आपकी चॉइस फिलिंग कर देंगे। और जो भी पेमेंट होगा फीस वगैरह जो भी चॉइस फिलिंग की लगेगी वो आपको वहां पे वो लोग अपने माध्यम से एम पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको चॉइस फिलिंग आपकी कर देंगे। और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो भी शो करी गई हैं वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं बताई गई हैं, ओवरऑल वैकेंसी बताई गई है। तो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है तो उसी हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे अपनी अपनी ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करिए और आपके पास ज्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के, अलॉटमेंट मिलने के। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे ही चॉइस फिलिंग कर लेंगे, अगर आपको लगता है कोई ना कोई गड़बड़ आपसे हो गई है या फिर कुछ ना कुछ आप लोग बढ़ाना चाहते हैं या संशोधन करना चाहते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में, तो उसके लिए भी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो मैं आपको डायरेक्ट उसी जगह पे ले चलता हूँ जहाँ से हम लोग आए हुए थे। तो वेबसाइट पे हम आते हैं एमपी ऑनलाइन की, तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे आ चुकी हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग करते समय कोई ना कोई दिक्कत हो गई है, गलत चॉइस फिलिंग हो गई है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है, वो है यहाँ पे दूसरे नंबर का लैब टेक्नीशियन का। और एक ही मौका आपको मिलेगा यहाँ पे अपनी यहाँ पे एडिट करने के लिए, संशोधन करने के लिए जो भी आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग करी है, और उसके लिए भी समय आपको 15 दिसंबर तक का रहेगा। आपको इसी समय आप लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है चॉइस फिलिंग करते समय और कुछ बढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ इंक्रीज यहाँ पे है, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है। जरूरी नहीं है ये चीज़ यहाँ पे आप लोग इसका इस्तेमाल करें, अगर आपके पास आपकी इच्छा है तो आप लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमसे जरूर पूछेगा। और सारे जो नोटिस वगैरह हैं, दोनों नोटिस मैंने आपको वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी है पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको वो मिल जाएगी बड़े आसानी से, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो लिंक है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे जरूर पूछेगा। और सब्सक्राइब आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे जाइए और सब्सक्राइब का बटन आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी आपको मिलती रहेगी। और चाहे तो एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा अगर लगता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।